नमस्कार दोस्तों, तो आपका फिर से स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल AR Homes में। तो आज जो प्रॉपर्टी मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, ये प्रॉपर्टी अपने गांधीपथ वेस्ट के ऊपर प्रॉपर्टी लोकेटेड है और 200 फीट का एक बड़ा सेक्टर रोड निकल रहा है जो कि यहाँ से बहुत नज़दीक से निकल रहा है और साथ ही सोफिया स्कूल और ट्यूलर स्कूल यहाँ से बहुत नज़दीक है। गेटेड टाउनशिप आपको दिखाई दे रही है कुछ इस तरीके से। ये देखिए, हमारे पास में 10 विलाज हैं जो कि आप देख पा रहे हैं इस साइड में, जिसमें से 4 अभी सोल्ड आउट हैं और 6 अभी हमारे पास में अवेलेबल है। हमारे पास में 18x50 और 18x55 दो डायमेंशन में, यानी कि 100 गज और 110 गज के अंदर यहाँ पर हमारे पास में विलाज हैं। अगर आप चाह रहे हैं भाई इस प्रॉपर्टी को परचेज किया जाए, तो आप कॉल कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर दिया है। कुछ इस तरीके से आपको जो है फ्रंट एलिवेशन दिखाई देगा जो कि सच में बेहद ही प्यारा खूबसूरत सा फ्रंट एलिवेशन आपको दिखाई देगा और साथ ही प्रॉपर्टी 4BHK है, यानी कि 100 गज में और 110 गज में दोनों में 4 बेडरूम्स आपको होने वाले हैं। बढ़िया खूबसूरत सी प्रॉपर्टी, इंटरलॉकिंग रोड्स आपको मिल जाती है और साथ ही स्ट्रीट लाइट्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई गई है। ये कुछ इस तरीके से जो मैं आपको टूर कराने जा रहा हूँ, ये हमारा सैंपल विला होने वाला है और मैं आपको बता दूँ ऐसा पूरा गांधीपथ के ऊपर अभी इस टाइम पे प्रेजेंट टाइम में आपको 85 लाख रुपए के अंदर 100 गज का 18x50 के डायमेंशन में 4BHK प्रॉपर्टी नहीं मिलने वाला, जो कि सिर्फ हमारे पास में अवेलेबल है। अगर आप चाह रहे हैं 110 गज में लेना तो उसका प्राइस है 95 लाख रुपए, 95 लाख रुपीस, जो कि 110 गज के में अंदर बना हुआ है। कुछ इस तरीके से फ्रंट एलिवेशन यहाँ पर आपको दिख रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरीके से ये मिल जाता है इसको पार्किंग का स्पेस, जहाँ पर आपकी गाड़ी वगैरह आप पार्क कर सकते हैं। और यहीं पर आपको कुछ इस तरीके से मिल जाता है, ये कुछ इस तरीके से रियल प्लांट्स लगे हुए, कुछ आपको स्पेस अवेलेबल करवाया, कोई कुछ सामान वगैरह रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। इस साइड में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से मिल जाता है आपको लोबी का स्पेस, जहाँ पर आप वॉशिंग एरिया की तरह जगह को यूज़ में ले पाएंगे। यहाँ से अगर मैं आपको आगे की तरफ लेकर के चलूँ तो हम लोग देखेंगे इसका मेन एंट्रेंस कुछ इस तरीके से आपको दिया गया है। यहाँ पर बड़ी विंडो है जहाँ से सनलाइट और वेंटिलेशन होगा। ऊपर की साइड में आपको जो है PVC का वर्क करके दिया गया है। प्रॉपर्टी 4BHK में है, गांधीपथ वेस्ट, वैशाली वेस्ट के अंदर प्रॉपर्टी लोकेटेड है। 200 फीट का बड़ा सेक्टर रोड यहाँ से पास में से निकल रहा है। सोफिया स्कूल, ट्यूलर स्कूल यहाँ से पास में है और भी बहुत सारी सुख सुविधाएं आपको बहुत नीरेस्ट है। और 4BHK प्रॉपर्टी जो कि 18x50 यानी कि 100 गज में मात्र 85 लाख में होने वाली है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्टेयर्स आपको दी गई है जो कि इसके फर्स्ट फ्लोर, साथ ही इसके टेरिस तक आपको लेकर के जाती है। एंटर होते ही आप देखेंगे बढ़िया इसका लिविंग एरिया जो कि बढ़िया दिया गया है, जहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट बहुत प्यारा आपको मिल जाता है। देखिए कुछ इस तरीके से पूरा प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट मिल रहा है, फैंस वगैरह प्रॉपर आपको यहाँ पर, आपको फुल सीलिंग का वर्क मिल जाता है। कुछ इस तरीके से देखिए सोफा अरेंज करके दिया गया है। जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही है सिर्फ एक टेंटेटिव आइडिया के लिए है, तो आपको यहाँ पर ये चीज़ें नहीं मिलेगी, सेमी फर्निश्ड आपको मिलने वाला है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से डाइनिंग एरिया है, ऊपर की साइड में कुछ जो है शैंडलियर आपको लगा करके दिया गया है। वॉल के ऊपर प्यारा वॉलपेपर है और कुछ इस तरीके से बिडिंग बना करके दी गई है जो कि इसकी खूबसूरती को और ज़्यादा इन्हांस करती है। यहाँ पर सामने ही इसके किचन मिलेगा आपको, किचन का साइज काफ़ी स्पेशियस है, जहाँ पर कि आपको एल शेप में किचन है, काउंटर टॉप ग्रेनाइट के वर्क के साथ में है। सामने आपको बढ़िया कैबिनेट्स है, उस तरफ अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाता है फ्रिज रखने का ऑप्शन अवेलेबल करवाया गया है। सहरा की फिटिंग्स हैं, जितने भी आप यहाँ पर ये चीज़ें देखेंगे सब कुछ सहरा का आपको लगा करके मिल रहा है। सामने विंडो आप देख चुके हैं, साथ ही आपने देख लिया इसका किचन। अभी आप देखिए यहाँ पर इसका जो है कॉमन बाथरूम जो कि इस तरफ आपको प्रोवाइड कराया गया है, कॉमन प्लस अटैच बाथरूम है जो कि आप बेडरूम से भी और हॉल से भी आप इसे यूज़ में ले पाएंगे। कुछ इस तरीके से ये देखिए आपको बढ़िया साइज़ अवेलेबल करवाया गया है। यहाँ से अगर मैं आपको लेकर के चलूँ उसके बेडरूम की ओर, तो बेडरूम का साइज़ काफ़ी स्पेशियस, काफ़ी बड़ा साइज़ आपको दिया गया है। सामने की वॉल पे देखिए बड़ा आपको विंडो है जो कि इसके बैकयार्ड के एरिया की तरफ आपको लेकर के जाता है। 18 का फ्रंट काफ़ी अच्छा फ्रंट आपको दिया गया है। 4BHK प्रॉपर्टी है, बड़ी फैमिली है तो भी, और अगर आप चाह रहे हैं रेंट आउट करना तो रेंट आउट भी कर सकते हैं। सामने आप देखिए वॉलपेपर है, पीछे आपको कुछ डेकोरेटिव आइटम है, ऊपर के साइड में फुल सीलिंग का वर्क है और बेड आपको लगा हुआ दिख रहा होगा जो कि 6x7 के डायमेंशन में है। सामने आपको दिखाई देगा यहाँ पर इसका LED पैनल, जहाँ पर आपका LED इजीली इंस्टॉल कर पाएंगे। इस साइड में वॉट डोर है और यहाँ पर अटैच प्लस कॉमन बाथरूम आपको दिया गया है। तो ग्राउंड फ्लोर में आपको पूरी तरीके से टूर करा चुका हूँ, अभी मैं आपको लेकर के चलूँगा इसके फर्स्ट फ्लोर पर, जहाँ पर आपको 2 बेडरूम्स हैं, अटैच बाथरूम के साथ में एक हॉल है। और उसके अगर मैं ऊपर की बात करूँ सेकंड फ्लोर की, वहाँ पर आपको एक बड़ा बेडरूम है और अटैच बाथरूम है और वहाँ पर रूफटॉप पे गार्डन भी आपको अवेलेबल करवाया गया है। तो चलिए देखते हैं इसका जो है फर्स्ट फ्लोर, आ जाइए। बढ़िया आपको मिल जाता है यहाँ पर हॉल, हॉल का साइज़ काफ़ी बढ़िया स्पेशियस साइज़ आपको दिया गया है। ये देखिए कितना बड़ा साइज़ है। सामने आपको कुछ डेकोरेटिव आपको बना करके दिया गया है जो कि इसकी वॉल के ऊपर है, और जस्ट ऊपर के साइड में आपको मिल जाता है यहाँ पर इसका प्रोफाइल लाइटिंग का वर्क, देखिए कितना प्यारा है। यहाँ पर मिल जाता है आपको एक मंदिर बना सकते हैं आप इसे, आप चाहें स्टोर रूम की तरह जगह यूज में ले सकते हैं। अच्छा स्पेस है। यहाँ पर आ जाता है ये इसका सेकंड बेडरूम,
साइज काफी बढ़िया है। सामने इस साइड में आपको एलईडी पैनल है, एसी का सेपरेट पॉइंट है, ऊपर के साइड में फुल सीलिंग का वर्क है, और यहाँ पर है इसका बैकयार्ड का एरिया जो कि आपको कॉलोनी का पूरा व्यू देगा और आपका प्रॉपर सनलाइट भी आता रहेगा। सामने वाली वॉल पर देखेंगे, देखिए कुछ हैंडमेड आपको डेकोरेटिव आइटम बना करके दिया गया है और बेड कुछ इस तरीके से लगा हुआ आपको दिख रहा होगा। अभी आगे की ओर चलेंगे हम लोग, तो यहाँ पर देखेंगे इसका अटैच बाथरूम जो कि ड्रेसिंग एरिया के साथ में आपको मिल रहा है। यहाँ पर आपको वार्डरोब है, सामने आपको ड्रेसिंग एरिया है और इस साइड में है अटैच बाथरूम। देखिए बढ़िया साइज में है कुछ इस तरीके से, वेंटिलेशन का ऑप्शन यहाँ से आपको अवेलेबल करवाया गया है और टाइल्स वगैरह सब कुछ आपको जो है यहाँ पर प्रीमियम लगा करके दी गई है। आ जाइए देख लेते हैं इसका तीसरा बेडरूम। तीसरा बेडरूम जो है काफ़ी बढ़िया साइज में, स्पेशियस साइज में आपको मिल रहा है, तो आ जाइए देख लेते हैं इसका तीसरा बेडरूम। यह है इसका तीसरा बेडरूम, काफ़ी स्पेशियस बढ़िया साइज में। सामने आपको विंडो है जहाँ से सनलाइट और वेंटिलेशन बना रहेगा दोनों ही साइड में। यहाँ पर आपको पीछे की साइड में बढ़िया कुशन वर्क है, वहाँ पर आपको कुछ स्टडी डेस्क दिया गया है, वर्क फ्रॉम होम भी अगर करना चाहें वो भी कर सकते हैं। बाथरूम एक बार आप देख लीजिए कैसा होने वाला है, अटैच बाथरूम यहाँ पर आपको मिल जाता है और अटैच बालकनी भी यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो ये है इसका बालकनी का स्पेस जो कि काफ़ी बढ़िया बालकनी स्पेस आपको दिया गया है। सामने कुछ आर्टिफिशियल प्लांट्स आपको लगा करके दिए गए हैं, कुछ रियल प्लांट्स हैं। यहाँ से ऊपर की साइड से आप देखिए किस तरीके का व्यू आपको दिखाई दे रहा है। तो ये पूरी तरीके से मैं आपको टूर करा चुका हूँ इसके फर्स्ट फ्लोर का, अभी मैं आपको लेकर के चलूँगा इसके सेकंड फ्लोर पर, देखेंगे सेकंड फ्लोर कैसा होने वाला है। लेकिन चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और चाहते हैं प्रॉपर्टी को परचेज करना कॉल कीजिए, नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। कॉर्नर पर भी देख सकते हैं, वहाँ पर बढ़िया सिटिंग अरेंजमेंट आपको दिया गया है और रूफ टॉप पर इसके बढ़िया आपको रूफ टॉप गार्डन है, एक बेडरूम है। शाम के समय आप बढ़िया चिल कर सकते हैं, बढ़िया जगह आपको मिल रही है। ये देखिए बढ़िया स्पेस है और इसे पूरा कवर किया गया है। ऊपर की साइड में अगर आप देखेंगे तो इसे पूरा कवर किया है आगे तक, जिससे कि बारिश वगैरह के पानी ना आए। और वहाँ पर सामने की साइड में डेकोरेटिव आपको कुछ बना करके दिया गया है डेकोरेशन से। उस साइड में देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको देखिए बढ़िया वर्क करके दिया गया है, बढ़िया खूबसूरत वर्क है रियल और आर्टिफिशियल ग्रास के साथ में। यहाँ पर आ जाता है इसका अटैच बाथरूम जो कि इसका अटैच बेडरूम जो कि इसका फोर्थ बेडरूम है। साइज काफ़ी बढ़िया, अच्छा खासा साइज आपको मिल रहा है। ऊपर की साइड में आपको पीओपी वर्क है और कॉप लाइट्स है। सामने की साइड में इस तरफ विंडो है सनलाइट और वेंटिलेशन के लिए। यहाँ पर आपको वार्डरोब दिया गया है और अटैच बाथरूम मिल जाता है, देख लीजिए। पीछे भी आपको टेरेस दी गई है बढ़िया। तो प्रॉपर्टी जो मैंने आज आपको विजिट कराई वो 18x50 के डायमेंशन में यानी कि 100 गज के अंदर है। हमारे पास 18x55 के डायमेंशन में भी प्रॉपर्टी है यहाँ पर जो कि 110 गज के अंदर है, लेकिन जो 100 गज के अंदर है जो प्रॉपर्टी उसका प्राइस है 85 लाख रुपए, और जो 110 गज के अंदर उसका प्राइस है 95 लाख रुपए। अब जो भी प्रॉपर्टी आप परचेज करना चाहें वो आप परचेज कर सकते हैं। लोन की अगर बात करूं तो 70-80% लोन हो जाएगा। गांधीपथ वेस्ट जैसी लोकेशन के ऊपर लोकेटेड है, वैशाली वेस्ट के बहुत नज़दीक और सोफिया ट्यूलर स्कूल यहाँ से बहुत नज़दीक है। अधिक जानकारी के लिए कॉल कीजिए, नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आज और अभी के लिए इतना ही, फिर से मुलाकात होगी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।